यदि कोई व्यक्ति 6,000 रुपए महीना जमा करता है, सिर्फ 6,000 रुपए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 साल में उसका पैसा 15% के CAGR से 1 करोड़ रुपए हो जाता है। एक और बात और कहना चाहूंगा, थोड़ी हास्य पर जरूर हो जाएगी लेकिन सच्चाई है, ये ऐसे युवाओं की डीमैट है जो शाम को 7 बजे ड्रीम इलेवन में पैसा लगा रहे हैं इस उम्मीद पर कि आज मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। 7 बजे पैसा लगा रहे हैं 1 करोड़ कमाने के लिए और 11-12 बजे वो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि बस कैसी भी लगा है वो वापस आ जाए। एक कहावत है कि आज का सच कल को आपको क्लेम दिलाएगा और आज का झूठ कल को आपका क्लेम रिजेक्ट कराएगा। कि सपने के लिए आप निवेश करें, सपने क्या हो सकते हैं, आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चे की शादी, आपके बच्चे की एजुकेशन, आपका ड्रीम ट्रिप, आपकी ड्रीम कार, ये आपके सपने हो सकते हैं। जब हमें हर चीज के लिए एक्सपर्ट चाहिए तो फिर जब हमारा स्वास्थ्य की बात है, जब हमारी लाइफ की बात है, जब हमारे निवेश की बात है तो वहां हमें एक्सपर्ट क्यों नहीं चाहिए। कि हमारा भी ये काम पंजी रिटायरमेंट तक का है तो हम आपकी सेवा में आज भी प्रस्तुत हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं प्रभाकर कश्मीरा से जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं पीके फाइनेंशियल सर्विसेज के। और सर को इस फील्ड में जो है आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद पंजी। सर जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, एक गाना है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो जाए किसने जाना, कल का किसी को पता नहीं है, तो हम कैसे जो फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात कर रहे थे थोड़ा सा आप डिटेल में बताना चाहेंगे। देखिए पंजी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूँगा कि आपने हमें इस टॉपिक के लिए चुना। जो फाइनेंशियल प्लानिंग शब्द की आपने बात करी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुन तो हम सब रहे हैं पर इसको अप्लाई सिर्फ 20% लोग कर पाते हैं। अब उसके पीछे एक तो ज्ञान का अभाव है, दूसरा सही से बताने वाले लोग नहीं हैं, और तीसरा यह है कि उसकी उतनी अवेयरनेस नहीं है, ना सरकार की तरफ से है ना फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरफ से है। हर कोई बस मेरा काम चल जाए इस पहलू पर सभी लोग युवा आज चल रहा है। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि सबसे पहला, मेरे पास अगर मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ और मेरे पास अगर लाइबिलिटी है, यानी कि डिपेंडेंट लोग मेरे पास हैं, एक पत्नी है और बच्चे हैं, तो मेरे पास टर्म इंश्योरेंस तो हर हालत में होना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही हम इंश्योरेंस सब सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, भारतीय जीवन निगम बीमा का कोई बीमा। लोग अपनी, जैसे ही मैं अगर टर्म प्लान कहूँगा तो आप भी मुझसे कहेंगे हाँ कश्मीरा जी बीमा तो मेरे बहुत चल रहे हैं, पर वो टर्म इंश्योरेंस नहीं है। टर्म इंश्योरेंस आपकी जो इनकम है आज के समय में उसके मुताबिक आपने कितना गुना आपको चाहिए, क्या आपने उतना इंश्योरेंस आपके पास है कि नहीं है, और वो आज की रेट में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कहीं भी जा सकता है। आपकी इनकम और आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कितना है। तो पहली गलत धारणा क्या है कि हम बीमे को टर्म इंश्योरेंस से जोड़ ले रहे हैं। तो यानी कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे ना रहने के बाद भी मेरा परिवार वही लाइफस्टाइल जीना चाहिए जो मेरे रहते हुए जी रहा था, इसी को सिंपल भाषा में टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। यानी कि अगर टेक्निकल में मैं बात करूं थोड़ा सा, तो कंपेंसेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉसेज, यानी कि आर्थिक हितों की क्षतिपूर्ति, यानी कि मेरे ना रहने पर जो परिवार का भरण पोषण करेगा उसको बोलते हैं। क्योंकि ह्यूमन लाइफ वैल्यू को तो ना कोई कंपेंसेट कर सकता है ना वापस ला सकता है। तो पहला हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एलिमेंट है वो टर्म इंश्योरेंस। अब दूसरा, जरूरी थोड़ी कि हर बार जो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू का ही लॉस होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इस देश में अगर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोग जागे हैं तो वो कोविड के बाद जागे हैं। जैसे हमारे देश में धारणा है कि हेलमेट हमें पुलिस वालों के लिए पहनना है, अपने लिए नहीं पहनना है, जबकि नुकसान हमारा है, तो वो धारणा को बदलने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही जब हम जा नहीं रहे हैं, यानी कि इस दुनिया से हम विदा नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बीमार हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो बचत है और सेविंग है उसको इफेक्ट में डालते हैं और वो एक झटके में उड़ जाती है। तो पहला टर्म इंश्योरेंस, दूसरा हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरा, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे पास जो भी पैसा बच रहा है उसकी भी एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि कितना पैसा मुझे बचाना चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए एक फॉर्मूला आपके माध्यम से सारी जनता को देना चाहता हूँ कि बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि इनकम माइनस एक्सपेंसेज माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेज, यानी कि आमदनी में से अपने खर्चे कम माइनस कर दो और वो खर्चे माइनस कर दो जो कभी कभी अचानक आ जाते हैं। जैसे शादी ब्याह का सीजन था, आपको लिफाफा देना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेज है। आपके घर में मेहमान आ गया, अनवांटेड डिमांड आ गई, मिसलेनियस एक्सपेंसेज है। तो ये माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो पूरा का पूरा आज के समय में म्यूचुअल फंड में निवेश होना चाहिए। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग है, लेकिन इसको लोग जानते नहीं हैं। तो ये एक विस्तृत
मतलब टॉपिक है जिसको मैं समझता हूँ कम समय में कवर करना बहुत मुश्किल है जी। तो व्यूअर्स देखिए, सर ने यहाँ पे आपको बताया, हम इन्हीं तीन टॉपिक्स पे जो है डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। सर हम यहाँ पे तीनों टॉपिक्स को अलग अलग करके लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें, जैसे आपने कहा सर LIC को ही जो है वो यहाँ पे कहते हैं ना पर्यायवाची बन चुका है, इंश्योरेंस मीन्स LIC जो है, तो इसमें अगर किसी को जैसे टर्म इंश्योरेंस कराना है तो किन किन बातों का जो है ध्यान देना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो इसमें मैं लोगों की गलती भी नहीं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि लोग कौन है, हम और आप ही तो हैं। आप मुझे बताइए किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, उससे पूछे कि LIC आपने क्या ऑफिस जाके ली LIC के, किसी के पास भी हाँ जवाब नहीं होगा। मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, मेरे बेटे के बुआ ने एजेंसी ले ली थी, उसकी नौकरी चलाने के लिए या उसकी एजेंसी बचाने के लिए मुझे एक पॉलिसी लेनी पड़ गई। क्या वो पॉलिसी आपके काम की थी? शायद नहीं। आपने अपना ना रिस्क समझा, ना अपनी फाइनेंशियल ज़रूरत समझी और आपने पॉलिसी ले ली, तो आप हमेशा क्या देख रहे हैं कि मेरी किस्त इतनी जा रही है, सम इंश्योर्ड तो आप देख ही नहीं रहे हैं, यानी कि आपके ना रहने के बाद कितना पैसा मिलेगा। बट जो टर्म इंश्योरेंस है वो एक्चुअल में आपको बताता है कि आपके ना रहने पर आपके परिवार को कितना पैसा मिलेगा, उसी को टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। और टर्म इंश्योरेंस आज की डेट में लोग, अब लोगों के मन में गलत धारणा पंजी और क्या है कि अगर मैं वहाँ तक जी गया, जैसे मैक्सिमम हम 85 साल तक देते हैं, अगर मैं वहाँ तक जी गया तो मेरा पैसा तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि टर्म में पैसा वापस नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में ऐसी सुविधा भी आ गई है कि आप विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान भी ले सकते हैं, यानी कि अगर भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो आपको आपका जमा पैसा जो भी है वो पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। तो आप मतलब वो दोनों तरफ से आप फायदे में हैं, डबल बेनिफिट है आपको, तो उस तरीके से भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो मेरी राय में आज की डेट में जो युवा वर्ग आ रहा है, क्योंकि अब वो पुराना समय नहीं रहा कि लोगों के साथ साथ बच्चे होते हुए भी लोगों ने पूरा परिवार पाल दिया, और हमारे पिताजी लोग आज भी पूरा परिवार चलाने में सक्षम हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं और खर्चे कम हैं तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो आज की डेट में तो हर युवा को यंग एज से ही टर्म प्लान जरूर लेके ही चलना चाहिए, जो बहुत एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया था। अब यहाँ पे जैसे आपने युवाओं की बात की है, ठीक है, युवाओं में कुछ लोगों की सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें उनकी सैलरी अभी भी उतनी अधिक नहीं है, या आप कह रहे हैं कि उनकी ज़रूरत बहुत है। सैलरी अगर हम मान के चलें उनकी 30 या 40 हज़ार है, लेकिन मोबाइल फ़ोन उनके पास जो है 1 लाख रुपये का है, तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी वहीं पर है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम बात करें युवाओं को, फिर आप किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे, अपने माइंडसेट में वो कैसे चेंज करें कि वो इसकी तरफ देखें, फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ देखें, या उनको क्या है बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेना है या उनको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, तो वो किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं? सर एक कहावत आपने सुनी होगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हम जब पैदा हुए थे तब हमारे माँ बाप हमें क्या बोलते थे, कुछ दिनों बाद, कि इसको अकल नहीं है। और आज हम और आप जितने साल के भी हैं, मेरा मतलब अनुमान है शायद आपके माता पिता और मुझे भी और आपके भी यही बोलते हैं कि इसको आज भी अकल नहीं है। तो हमको आज तक इतनी उम्र में भी अकल नहीं है, और हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियली पूरे लिटरेट हो गए हैं और हमें सारी जानकारी हो गई, जो कि प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो हमें अगर किसी चीज़ को देखना है तो उसकी बारीकियों से हमें देखना पड़ेगा। अब युवाओं को हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी अर्ली एज से ही जो भी पैसा कमा रहे हैं, अगर वो एक मोबाइल फ़ोन की किस्त देने की क्षमता रखते हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं से इनकम तो आ रही है ना, तो उसी इनकम के पार्ट से अगर वो थोड़ी थोड़ी सेविंग में भी डालेंगे, थोड़ी बचत की भावना भी रखेंगे, तो धीरे धीरे वो टर्म प्लान हेल्थ इंश्योरेंस की ओर जा सकते हैं। और आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां भी और सरकार भी इस तरीके के जागरूकता अभियान चला रही है, जहां पर हमारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया या IRDA इस तरीके के प्रोग्राम चला रही है, जहां पर इस तरीके की जानकारियां दी जा रही हैं, हमारे माध्यम से भी दी जाती हैं, हम लोग हर महीने में एक सेमिनार करते हैं तो उसमें भी वो लोग जानकारी ले सकते हैं। और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैं 1 लाख का मोबाइल जब मैं ले रहा हूँ या कोई भी गैजेट ऐसा ले रहा हूँ, तो यानी कि कीमत तो उसकी 1 ही लाख है ना, किस्तों में तो मैं उसका 1 ही लाख पे करूँगा, तो मैं अगर बचत करके भी तो मैं इसका रिवर्स कर सकता हूँ, बचत करके भी तो मैं 1 लाख इकट्ठा कर सकता हूँ ना, लेकिन वो सोच नहीं है बस। तो हमें और आपको उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हमने टर्म इंश्योरेंस की बात कर ली है, अब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप जो भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड चलाया था उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए हम हर बात के लिए सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अभी आप देखिए कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं, वोटिंग का परसेंटेज आप देख रहे हो, कितने लोग घर से वोट देने निकले, 50 से ऊपर कहीं आंकड़ा नहीं आ रहा है। तो हर बात के लिए तो सरकार का आयुष्मान कार्ड अच्छा है, लेकिन क्या आज हर बीमारी सिर्फ आयुष्मान के हिसाब से देखी जाएगी? नहीं देखी जाएगी ना। आज की डेट में हम गंभीर बीमारियों की बात करें, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, किडनी फेलियर, क्या आपको लगता है ये आयुष्मान से हो पाएंगी? वो भी
कहाँ, जब हम छोटे शहर में रह रहे हैं और जहाँ हर थोड़े 3 दिन के बाद सीधे दिल्ली रेफर कर दिया जाता है बड़े अस्पतालों में, जहाँ आज 5-स्टार हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, तो जहाँ भर्ती होने से पहले ही आपको 15-20 लाख रुपए आपकी जेब में होने चाहिए आपको पता है। तो आयुष्मान कार्ड हमारे माता पिता के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं हो सकता। तो हमें किसी प्राइवेट अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना है और ये देखना है एक अच्छे एडवाइज़र से मिलकर कि मेरी जो एज है उसमें मेरे लिए कितना समय शॉर्ट सफिशिएंट रहेगा और कौन सी पॉलिसी किन फायदों के साथ मेरे लिए बेहतर हो सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, इसी में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जो हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो अभी युवा हैं, यानी 25 साल से 35 साल के बीच में। अब अगर उनको कोई अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो तो उनको किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर युवा है तो यह है कि वो फिट है, और कोई भी पॉलिसी हो, चाहे टर्म पॉलिसी हो चाहे हेल्थ पॉलिसी हो, वो फिट आदमी के लिए होती है, क्योंकि एक बार अगर आप बीमार हो गए तो कंपनी भी आपसे पल्ला झाड़ देगी। अच्छा, तो हेल्थ इंश्योरेंस, थोड़ा सा इसको एक डिटेल में और समझते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है ये एक पूल में काम करता है अपन साहब। अच्छा, अब पूल कैसा होता है कि जैसे एक ये पूल है, इसमें लोग आ गए, तो इस पूल का कंसेप्ट क्या है कि या तो आप इस पूल से बाहर निकलिए, जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो आपके लिए पैसा देंगे। अच्छा, या फिर आप बाहर निकलिए, लोग आपके लिए पैसा देंगे, ये इंश्योरेंस का कंसेप्ट है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको अपनी जेब से पैसा देने नहीं जा रही है, इसी पूल में से मैनेज हो रहा है। तो इसके मोर्टेलिटी के चार्ज कंपनी आपसे पहले ही काट लेती है, लेकिन उसके बदले वो आपको इंश्योरेंस दे रही है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, टर्म में 5 लाख रुपये अगर आप लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम में देते हैं तो आप 50 लाख के लिए कवर हो सकते हैं। तो 5 लाख के बदले 50 लाख का बेनिफिट है ना, हमेशा आपका परिवार सिक्योर है। ऐसी हेल्थ में अगर हम यंग एज के लिए देखें तो उनको ये देखना है और ये ध्यान रखना है कि यदि किसी की भी कोई बैड हैबिट्स हैं, हम और आप बदल तो नहीं सकते, बदलना खुद को है, लेकिन अगर वो हैं तो वो पॉलिसी लेते समय बतानी जरूर है, बतानी जरूर है। मैं इस बात पर बहुत बल दे रहा हूँ, बतानी जरूर है, क्योंकि एक कहावत है कि आज का सच कल को आपको क्लेम दिलाएगा और आज का झूठ कल को आपका क्लेम रिजेक्ट कराएगा। अब कई बार सच ऐसे होते हैं या झूठ ऐसे होते हैं जो मासूमियत में बोले गए होते हैं, और कई बार झूठ जानबूझ के बोला गया होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ कि मान लिया आज से 10 साल पहले मेरे को यहाँ दर्द हुआ, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, एक मेडिकल स्टोर के पास जाऊँगा जो आम जनता करती है कि साहब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है कुछ बताइए, तो मेडिकल स्टोर वाला भी अपने ज्ञान के आधार पर मुझे कुछ दवाइयाँ दे देगा, वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, नहीं ठीक हुआ मैं 2-3 दिन बाद, अब मैं क्या करूँगा, दूसरा स्टेप हो सकता है मैं नेक्स्ट मेडिकल स्टोर ट्राई करूँ, और अगर मैं ज़्यादा समझदार हूँ तो मैं डॉक्टर का ही रुख करूँगा। डॉक्टर भी भगवान नहीं है, वो भी देखेगा और ये कहेगा कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड कुछ करा लीजिए। जैसे ही मैं कराता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ तो किडनी में 8 mm का स्टोन है, तो 8 mm का स्टोन है, डॉक्टर ने बोला ये तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन मैं घर आया, क्योंकि हमारे यहाँ घर वालों की बात और दोस्तों की बात जो है लाखों रुपए की है, कहना मानना पड़ता है हमको, तो घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है इसको कराते हैं। लेकिन जब मैं दोस्तों से मिला तो दोस्तों ने मुझे ये सलाह दी कि हमने सुना है कि ये तो किसी और चीज़ों से भी निकल जाती है, आप कुछ और भी उपाय करिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए या कुछ अल्कोहल कंटेंट लाइक बियर का उपयोग करिए तो निकल जाएगी, ये एक धारणा है, पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये सत्य नहीं है। तो मैंने दोस्तों की बात मानी और भगवान की कृपा मुझ पर ऐसी थी कि मेरी पथरी जो है वो निकल गई। तो क्या मैंने इलाज कराया, क्या मैंने ऑपरेशन कराया, नहीं कराया, ठीक है अब ये बात यहीं समाप्त हो गई। उसके बाद आज 10 साल हो गए मुझे कोई भी तकलीफ उस किडनी स्टोन की वजह से नहीं हुई। 10 साल बाद मुझे ये जागरूकता हुई कि मुझे अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और मैं आपके पास आया एज ए हेल्थ इंश्योरेंस लेने, आप एडवाइज़र हैं या कंपनी है। जब आपने मुझसे पूछा कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है या पास्ट में कभी रही है या कोई चीज़ डायग्नोस हुई है, तो मैंने ये सोचा, मैंने अपने दिमाग से सोचा कि यार 10 साल पहले स्टोन हुआ था, निकल गया, मैं तो कहीं गया भी नहीं, तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, और मैंने आपसे वो चीज़ छुपा दी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा और आपको मालूम भी होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटिकल चलती हैं या फिर जिनके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। जैसे शुगर अगर मेरे फादर या ग्रैंडफादर को है और अगर मैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करता हूं तो मुझे होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किडनी स्टोन एक बार हो गया तो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या है, अब मैंने आपको छुपा के पॉलिसी ले ली, 6 महीने बाद किस्मत ख़राब निकली, वो किडनी स्टोन फिर से हो गया। तो आप सब मुझसे झूठ बोल सकते हैं, कंपनी से बोल सकते हैं, पर डॉक्टर से नहीं बोल पाएंगे, और डॉक्टर पता कर लेगा। और यहाँ पर एक और टेक्निकल बता रहा हूँ जो लोगों को जानकारी नहीं होती है,
सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी लैब का डेटा एक्सेस कर सकती हैं। एक एक्सेल में आपका नाम जानने में कितना समय लगेगा, तो डॉक्टर लाल में कराई होगी, एसआरएल में कराई होगी, कहीं भी कराई होगी, आपके नाम से आ जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये कराया था और ये इसको डायग्नोस हुआ था, तो कंपनी आपका क्लेम कर देगी जीरो। तो मैं संक्षेप में अपनी बात रखते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सच होनी चाहिए। आप एल्कोहल ले रहे हैं तो लीजिए, हर कंपनी 30 ml अलाउ करती है दो दिन में। आप सिगरेट का आप पीते हैं पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ है। तो फिर अंडरराइटर डिसाइड करेगा कि आपको देनी है कि नहीं देनी है। पर नटसल बात एक ही है कि सच सच बोलना है और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। यहाँ गीता काम नहीं आएगी, यहाँ खुद ही आप गीता हैं, ये समझना है बस। हाँ जी, अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ये जानकारियाँ जो हैं हमको कहाँ से मिलेंगी? जैसे आपने भी बहुत अच्छी जानकारियाँ यहाँ पे बताई, या जैसे जो एजेंट हमारे पास आ रहे हैं, या जैसे आपने बताया कि जो चाचा ताऊ मामा लोग जो आ रहे हैं वो लोग भी ये जानकारियाँ नहीं देते, क्योंकि उनको भी जो अगर एक हम लेमैन की लैंग्वेज में बोलें, उनको भी इंश्योरेंस की पॉलिसी चिपकानी होती है, और हम भी ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है वो चिपकाई जा रही है, तो वो कैसे हम पहचाने कि हम ये जानकारी कैसे लें, कहाँ से लें, किस तरीके से लें? बहुत आसान और सिंपल है, इसको हम इतना सिंपल बना सकते हैं कि ये हमारे अपने हाथ में है। मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूँ कि भगवान न करे कोई ऐसा क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा है जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, तो क्या आप अपना ऑपरेशन यूट्यूब पर देख के करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप बिना एक एक्सपर्ट की सलाह के 25 लाख की मर्सिडीज़ खरीद लेंगे अगर आपको कोई समझा नहीं रहा है? तो यानी कि जब भी हम कुछ बात कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा है आज, अगर वो 10-12 साल का है और आप उसको क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला कराएंगे ना, कोई किसी अच्छे कोच से दिलवाएंगे ना, या गली मोहल्ले में खेल के तो क्रिकेटर नहीं बन जाएगा, ऐसे तो फिर लाखों में कोई एक निकलता है। तो यानी कि जब हमें हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट चाहिए, तो फिर जब हमारा स्वास्थ्य की बात है, जब हमारी लाइफ की बात है, जब हमारे निवेश की बात है, तो वहाँ हमें एक्सपर्ट क्यों नहीं चाहिए? वहाँ हम आँख मूंद कर किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। अब उसका कारण हमारा लैक ऑफ नॉलेज है। आप जब भी एक इस तरीके के प्लान ले रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें, सबसे पहले ये देखें कि क्या उसका ये काम परमानेंट है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज वो अपने कमीशन के लालच में आपको पॉलिसी भेज दे रहा है और जब आपको ज़रूरत थी तब वो नहीं है। आपने देखा होगा दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनियां कॉल सेंटर और सर्विस पर पैसा खर्च कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल एंड आफ्टर सेल जो परचेज है वो सेटिस्फेक्शन लेवल पर ही डिपेंड करती है। यदि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट ले आए और आपको सर्विस नहीं मिली, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट ना आप खरीदेंगे ना 10 को और खरीदने देंगे। नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं अब आप। तो ऐसा एडवाइजर चुनना है हमेशा जिसका काम परमानेंट हो, दूसरा जिसको नॉलेज हो अच्छी, जिसकी इंडस्ट्री में अच्छी पकड़ हो, जिसकी समाज में अच्छा नाम हो, जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, और जो पारदर्शिता से और ईमानदारी के साथ अपनी बात रखता हो। यानी कि वो आपको वही पॉलिसी देना चाह रहा हो, वही फंड देना चाह रहा हो, वही टर्म देना चाह रहा हो जो वो अपने लिए भी लेता। अपने लिए कभी कोई खराब लेता है पन साहब? नहीं लेता है ना। तो आपको ऐसा व्यक्ति चुनना है। तो मेरा मानना है कि आप हमेशा फायदे में रहेंगे और ऐसे लोगों की कमी आप ढूंढेंगे तो कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे सर आपने बताई। अभी हमने जो है यहाँ पे दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं अपने पैसे को ग्रो करने की, यानी हमने पैसा इन्वेस्ट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे? या जैसे अभी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड की, हम बात कर रहे थे, या आजकल अगर हम बात करें जो रिटेल इन्वेस्टर आपके हैं वो जीरोधा में या आप एंजल वन यहाँ पे वो आपका जो है खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैसे शुरुआत करें अपने पैसे को बढ़ाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें ऐसी किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है जो रेगुलेटेड है। यानी कि जैसे हमारे पीछे हमारे माँ बाप हैं, अगर हमें थोड़ी सी चोट भी लगती है तो वो तुरंत विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपके पैसे में अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो क्या कोई पीछे से विचलित होने वाला है? तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आज की रेट में लोग पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाने के आ जाते हैं और बाद में वो कंपेयर क्या करते हैं कि हम भाग म्यूचुअल कंपनियाँ भाग जाएंगी। तो ये कंपैरिजन ही गलत है। हमें ये देखना है कि रेगुलेटेड बॉडी में पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, सबसे पहले दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं वहां हमारा निवेश सुरक्षित है कि नहीं है, कौन पैसा लगा रहा है, कहां लगा रहा है। अब इसके लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आज की रेट में। अब म्यूचुअल फंड ही क्यों बेहतर है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा हमारे माता पिता, उनके माता पिता, आपने सुना होगा पुरानी कहावतें हैं कि पहले तो थोड़े से पैसों में बहुत कुछ सामान आ जाता था, और ये बात सच भी है। लेकिन आज क्यों नहीं आता है? पहले के आने और ना आने में एक चीज़ बीच में है जो आप खुद ही बता रहे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन दर। यानी कि आज की रेट में अगर आप सरकार की योजनाओं का ब्याज देखेंगे तो 6% 7% मैक्सिमम, उससे ऊपर लेना है तो आपको 60 साल से ऊपर का भी होना है,
फिर उस उम्र में आप पैसे का भी क्या करेंगे। तो सरकारी योजनाओं में ब्याज इतना ही है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो लोग देखते नहीं हैं, मैं लोगों को स्पेशल फोकस के साथ कहना चाहूँगा, जो लोग देखते नहीं हैं कि जब मैं 6 या 7% पर निवेश कर रहा हूँ तो महंगाई दर कितनी चल रही है, वो भी तो 6-7% ही है, तो मैं किस दर पर बचा रहा हूँ और किस दर पर मैं खर्च कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ग्रोथ ही निगेटिव जा रही है। तो अगर ये मुझे देखना है तो फिर मुझे किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करना पड़ेगा जो मुझे कम से कम डबल डिजिट में रिटर्न दे रहा हो। और मैं आपको आश्वासन के साथ कह सकता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यदि आपके पास लक्ष्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि आपके पास लक्ष्य है, आपके पास डेस्टिनेशन है और आपके पास आपके क्यों का जवाब है, तो म्यूचुअल फंड से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं है। क्योंकि सेबी का एक डेटा है सर, सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पैसे को मैनेज करता है शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के, उनका डेटा है कि अभी आपने देखा होगा 2014 से पहले अगर 2 करोड़ डीमेट थे तो आज 2024 में लगभग 15 या 20 करोड़ से ऊपर डीमेट है। करेक्ट आंकड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके बराबर है लगभग। ये डीमेट किसके हैं पंत साहब? ये सब उन युवाओं के हैं जो रातों रात अमीर बनने के ख्वाब में इस वहाँ जा रहे हैं। वो मैं एक और बात और कहना चाहूँगा, थोड़ी हास्यपद जरूर हो जाएगी लेकिन सच्चाई है, ये ऐसे युवाओं की डीमेट हैं जो शाम को 7 बजे ड्रीम इलेवन में पैसा लगा रहे हैं इस उम्मीद पर कि आज मैं 1 करोड़ कमाऊँगा। 7 बजे पैसा लगा रहे हैं 1 करोड़ कमाने के लिए, और 11-12 बजे वो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि बस कैसे भी लगा है हुआ वापस आ जाए। तो इस समाज में आज हम जी रहे हैं और यही लोग निवेश कर रहे हैं। पैसा बचाने के ऊपर ध्यान नहीं है, रातों रात करोड़पति बनने की उम्मीद है। और जिसने भी रातों रात पैसा कमाया वो पैसा कभी किसी का फला बचा नहीं, कभी भी नहीं। आज मैं फिर पुरानी बात पे ले जाऊंगा कि हमारे पिताजी आज अपनी 50,000 की पेंशन के साथ हमारे फादर लोग पूरा घर चलाने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चाहतें कम हैं, उनकी ज़रूरतें कम हैं। वो आज भी रिक्शे से चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों के लिए घर से अगर हम बाल कटाने भी जा रहे हैं तो हमें गाड़ी की ज़रूरत है। तो हमें ऐसा कोई निवेश देखना है जहां पर गवर्नमेंट का रेगुलेटेड बॉडी हो, जहां निवेश सुरक्षित हो। अब इसके लिए 3 पहलू हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। तो म्यूचुअल फंड में जो भी निवेश कर रहे हैं उनको क्यों करना चाहिए, उसका जवाब मैं तीन उसमें दे देता हूँ, एलिमेंट्स हैं इसके। सबसे पहला यहाँ पर सर सेफ्टी है। सेफ्टी का मतलब आपको डर नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा कल को रहेगा कि नहीं रहेगा। आपका पैसा कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है किस निवेश के लक्ष्य के साथ आपने लगाया है, लेकिन जाएगा कहीं नहीं। दूसरा, ये आपको रिटर्न देता है। पहला सेफ्टी, दूसरा रिटर्न, यानी कि कहीं भी आप लगा लीजिए उससे ज़्यादा रिटर्न आपको हमेशा म्यूचुअल फंड ही देगा। तीसरा, सबसे बड़ी बात, देखिए मैं एक बात का बिलीवर मैं और हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी जगह सही है, लेकिन यदि मैं अस्पताल में हूँ पंजी और मैं मर रहा हूँ तो फिर मैं पैसे का भी क्या करूँगा, फिर तो मेरी जान महत्वपूर्ण है ना। तो यानी कि मेरे पैसे की अगर मुझे भाई क्यों का जवाब तो सही है, लक्ष्य है, लेकिन अगर इमरजेंसी में मेरे पैसे की मुझे ज़रूरत पड़ गई तो फिर मेरा पैसा 4 दिन में मेरे हाथ में भी है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है म्यूचुअल फंड के लिए। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके देख लीजिए। जब हम सेमिनार करते हैं तो मैं पब्लिक से एक सवाल पूछता हूँ, मैं आप ही का उदाहरण ले लेता हूँ। आप और भाभी जी एक दिन बाजार गए, आपके बच्चे ने बाजार में जिद कर डाली कि पापा मुझे एक साइकिल लेनी है, साइकिल की कीमत है 15,000। आपकी वाइफ ने कहा इस समय तो इतना हमारा बजट नहीं है, ऐसा करते हैं थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे करते हैं जो एक आम भारतीय परिवार करता है और फिर साइकिल ले लेंगे। और आप जो है आर्मी में कार्यरत हैं, ये सपना आपने देखा और उस सपने के साथ आपने बाजार से इमीडिएट एक पिगी बैंक खरीदा और घर में ले आए और उसमें पैसे डालने शुरू कर दिया। अब गुल्लक में पैसे कहाँ से आते हैं? जो सब्जी के बचते हैं या किसी और चीज़ के बचते हैं या फिर मेहमान दे जाते हैं। और आप आर्मी में कुछ दिनों बाद आप अपनी आर्मी की ड्यूटी में चले गए 6 महीने बाद और उस गुल्लक में लगभग 8-10 हज़ार इकट्ठे हो गए हैं। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अब क्या हुआ कि 6 महीने बाद आपकी वाइफ को कुछ इमरजेंसी पड़ गई घर में 10-12 हज़ार की। आपके पास घर में एक FD है जो 5 लाख रुपए की है, आपके पास घर में 4-5 तोला सोना रखा हुआ है जो 4-5 लाख का मान लेते हैं, एक प्लॉट भी है 10 लाख रुपए का, ये सब आपके पास घर में है। अब आपकी वाइफ को जो 10-12 हज़ार की ज़रूरत पड़ी, क्या करेंगी वो? पीजी बैंक से निकलना है। क्यों? वो तो साइकिल के लिए, साइकिल आ गई क्या? नहीं है। सपना कहाँ पूरा हुआ है? तो उठता है, तो आप ही की तरह पब्लिक में से 100% लोग यही आंसर देते हैं कि वो गुल्लक टूट जाएगा। अब वो क्यों टूटेगा ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे आसान पैसा वही दिखा, सबसे आसान पैसा वही दिखा, वो टूट गया लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम लोगों को म्यूचुअल फंड में भी गाइड करते हैं कि सपने के लिए आप निवेश करें। सपने क्या हो सकते हैं? आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चे की शादी, आपके बच्चे की एजुकेशन, आपका ड्रीम ट्रिप, आपकी ड्रीम कार, ये आपके सपने हो सकते हैं। लेकिन फिर सेबी गलत नहीं कहता, सेबी का भी डेटा है कि 100 में से 80 लोग
पहले 3 साल में बाहर हो जाते हैं। तो हमारा देश वो देश है, अत्यंत मुझे खेत के साथ कहना पड़ेगा, कि LIC की पॉलिसी को लेने के बाद हम बिना कोई ऐप के और बिना कहीं देखे हुए 20 साल तक लाइन में लग के जमा करते हैं, जहां पता है कि पैसा सिर्फ डबल होगा, और जहां हम वास्तव की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं वहां पर पंजी हम पहले 3 साल में बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल, चलिए सर, आपने बहुत यहाँ पे अच्छी बातें जो हैं हमको बताई। और अगर किसी हमारे व्यूअर को आपसे संपर्क करना हो या अपने वेल्थ को ग्रो करना हो, पैसे को ग्रो करना, तो आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए, हल्द्वानी में हम पिछले 20 साल में जनता की सेवा में हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग में ही हमारा एक्सपर्टीज़ रही है, और हमारे पास आज की डेट में म्यूचुअल फंड से लेके हेल्थ से लेके टर्म से लेके सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। हमारे पास डीमेट का काम भी है, मतलब जो डीमेट के थ्रू काम करते हैं, लेकिन मेरी दुकान उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ट्रेडिंग करते हों, क्योंकि सेबी का डाटा है कि 10 में से सिर्फ एक आदमी पैसा कमाता है, 9 लोग गंवाते हैं। तो क्या वो एक आदमी आप हैं? अगर आप हैं तो मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। तो यदि इन किसी भी चीज़ में आपको किसी भी निवेश संबंधी सलाह की ज़रूरत है, तो हमारा ऑफिस मुखानी में खोलिया कंपाउंड में प्राइड हॉस्पिटल के बगल में है, PK फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, पंत साहब के माध्यम से आपको हमारे नंबर भी मिल जाएंगे, और हम हमेशा आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपनी ही बात को दोहराते हुए, कि हमारा भी ये काम पंजी रिटायरमेंट तक का है, तो हम आपकी सेवा में आज भी प्रस्तुत हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। 24/7 हमारा नंबर चले रहते हैं हमारे ऑफिस के, कभी भी आप हमसे सेवाएं ले सकते हैं। चलिए सर, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात आपने बताई, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना, आपने रिटायरमेंट की बात की है, ठीक है, तो रिटायरमेंट में जैसे अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें, तो जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, अब तो खैर उसमें भी पेंशन नहीं है, लेकिन पहले आपकी पेंशन थी, लेकिन जो प्राइवेट वर्क का जो प्राइवेट में जॉब कर रहा है, वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करे, किस तरीके से करे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रिटायरमेंट, और जब रिटायरमेंट की बात आती है तो हम भी आज उस यंग एज में हैं कि हमें भी चिंता होती है। तो मैं लोगों से, मेरा हमेशा एक सवाल होता है, क्या हर ज़रूरत आज की है? क्या कुछ ज़रूरतें कल की नहीं हैं? क्या हम इस बात के लिए पॉजिटिव हैं कि हम 60 साल के होंगे? यदि आप मुझे अभी बोल दें कि मैं 60 साल नहीं जीऊँगा, तो शायद मैं बुरा मान जाऊँगा कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ मेरे को बुरा लग रहा है, तो ये भी तो सत्य है कि मैं 60 साल जीने के प्रति पॉजिटिव हूँ। तो अगर मैं 60 साल जीऊँगा पंजी, तो मेरे पास क्या प्लानिंग है रिटायरमेंट की? क्या मेरे पिताजी की तरह मुझे पेंशन मिलेगी? नहीं ना। और आज अत्यंत, मतलब मैं एक इमोशनल सब्जेक्ट की ओर आपको लेके जा रहा हूँ, जिसको जनता सुन के एक बार हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल फील करे, लेकिन आज सब लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितने बच्चे अपने माँ बाप को आज पैसा दे रहे हैं। अगर दवाई की ज़रूरत भी है और उनके अगर पेंशन नहीं है, तो मैं समझता हूँ कोई नहीं देगा, क्योंकि समाज ही वैसा आ गया है। तो अपने जो चीज़ हम आज अपने वर्तमान में देख रहे हैं, तो कल का समय तो देखिए कहाँ होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि कल हो सकता किसी का बहुत अच्छा हो, वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपने आज से प्लानिंग कर दी रिटायरमेंट के लिए, तो मेरी गारंटी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ SIP होती है। SIP के बारे में लोगों की बहुत गलत धारणा है। SIP आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, जितना लंबा चलाएंगे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ऐसे दो फैक्टर हैं जिससे SIP एक चमत्कार करती है अपने आप में, लेकिन तब जब आप उसको समय देंगे, है ना। जैसे आम का पेड़ भी आप लगाते हैं, क्या रातों रात फल दे देगा? उसको भी 10-15 साल लगेंगे। तो ऐसी SIP में भी है। तो मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति 6,000 रुपये महीना जमा करता है, सिर्फ 6,000 रुपये, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 साल में उसका पैसा 15% के CAGR से 1 करोड़ रुपए हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 6,000 रुपए महीने जमा करने की आज प्रयास करता है, तो 20 साल में उसका पैसा यदि 15% का CAGR मिलता है ओनली, तो उसका पैसा की, उसके पैसे की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो जाती है, जिसमें उसका जमा सिर्फ 13 लाख रुपए होगा। 13 लाख रुपए 1 करोड़ बन जाएंगे, 13 लाख रुपए के 1 करोड़ बन जाएंगे, लेकिन कब? जब आप समय देंगे। आज हमारे पास कई सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं, लेकिन ओल्ड एज के हैं, जिन्होंने सन 2000 में पैसे लगाए थे, लेकिन आज भी उनके पैसे बने हुए हैं। आज हमारा एक फंड है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक मल्टी एसेट फंड हमारा है, उसमें यदि आपने सन 2002 में जब वो लॉन्च हुआ था 10 रुपये की NAV पर, कोई भी फंड जब लॉन्च होता है तो 10 रुपये में आता है, तो अगर आपने 1 करोड़ लगाए और आपने ये कहा कि मुझे महीने के 75,000 भी दिए जाएं खर्चे के लिए, MIS से जैसा समझ सकते हैं आप, तो 1 करोड़ लगाए और 75,000 महीने के लिए, आज वर्तमान में 2024 में अगर आप उसकी डेटा देखेंगे आप उसका, तो आज उस 1 करोड़ की वैल्यू 48 करोड़ है, 48 करोड़, 1 करोड़ हैज़ कन्वर्टेड इंटू 48 करोड़, एंड द मंथली अमाउंट विच यू हैव टेकन फ्रॉम दिस फंड वो लगभग 3 करोड़ के आसपास है। 3 करोड़ आपने मंथली से ले लिए और 48 करोड़ आपके प्रिंसिपल की वैल्यू है, इसमें से गवर्नमेंट को आपने लगभग 20-30 लाख का टैक्स दे दिया।
अब बताइए कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा करता है? कोई नहीं करता। तो जो लोग रिटायर जिनके पास एकमुश्त पैसा है उनको हम जरूर कहेंगे कि ऐसे किसी फंड में पैसा जरूर लगाएं, सलाह लें किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से, और जिनके पास नहीं है वो इसको इकट्ठा करने के लिए SIP करें। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो व्यूवर्स, आपने यहाँ पे प्रभाकर कश्मीर से बहुत अच्छा ज्ञान दिया होगा, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और भी कोई वित्तीय सलाह चाहिए तो सर का जो नंबर यहाँ पे है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद पंजी, इसी प्रकार से आप जनता को जागरूक करते रहिए। पंजी का जो चैनल है गुरुजी उत्तराखंडी, उसके माध्यम से आप, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं पब्लिक को, जिसकी वजह से जागरूकता बढ़े, नहीं तो भरमा रहे हैं आज की डेट में। तो हम किसको चुन रहे हैं, और जैसे अभी हमने बात करी ना कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या चुन रहे हैं, वैसे ये भी चुनना बहुत ज़रूरी है कि हम YouTube पर क्या देख रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिसको भी काम की जानकारी चाहिए वो हमारे गुरुजी पंच साहब को फॉलो करें, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल को। इन्हीं शब्दों के बाद धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।